नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिग बॉस 16 इन दिनों लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। आए दिन शो को लेकर कोई ना कोई खबर सामने आती ही रहती है। अब एक बार फिर से बिग बॉस 16 पर फिक्स्ड होने का आरोप लग रहा है। कई बार बिग बॉस पर फिक्स्ड विनर बनाने का आरोप लगा है। अब एक बार फिर से इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है। बिग बॉस 16 फिक्स्ड है या नहीं, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि हाल ही में इस शो की एक एक्स कंटेस्टेंट युविका चौधरी ने सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने पहले तो कहा कि बिग बॉस की ट्रॉफी प्रियंका चाहर चौधरी लेकर जाएंगे, पर जब सोशल मीडिया पर उन्हें घेरना शुरू किया गया तो एक्ट्रेस पलट गई। उन्होंने अपने बयान से यू टर्न लिया और ये पक्का हो गया कि इसका विनर पहले से फिक्स है। युविका चौधरी, जिन्होंने कहा था कि एमसी स्टैन जनता की पसंद है पर चैनल की पसंद है प्रियंका चाहर चौधरी, लोग युविका चौधरी से अब सवाल पूछ रहे हैं कि इसका मतलब आप कहना क्या चाहती है, ये शो पहले से फिक्स है। सिर्फ युविका ही नहीं बल्कि देवोलीना भट्टाचार्य ने भी ट्वीट कर कहा था, कुछ भी कर लो जीतेगी तो प्रियंका ही। हालांकि मैंने ये शो काफी पहले देखना छोड़ दिया है, पर मुझे पहले हफ्ते से ही पता चल गया था, 3 साल का एक्सपीरियंस जो है मुझे बिग बॉस का। इन दोनों के ट्वीट से ये तो साफ हो गया है कि प्रियंका की जीत की उम्मीद ज्यादा हो गई है, क्योंकि वो कलर्स के शो उड़ाड़िया में नजर आ चुकी है। वही एक्टर जय भानुशाली ने भी कुछ ऐसा ही कहा जब उनसे पूछा गया कि बिग बॉस 16 कौन जीतेगा। उन्होंने पूछा फाइनल में कौन है, फिर पूछा कलर्स का फेस कौन है। जब रिपोर्टर ने प्रियंका कहा तो उन्होंने जवाब दिया यही जीतेगी। हालांकि इस शो में अर्चना गौतम और सौंदर्य भी इसे लेकर बिग बॉस पर आरोप लगा चुकी है। पिछले सीजन में भी तेजस्वी के विनर बनने के बाद सोशल मीडिया पर ऐसी बातें हुई थी। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि प्रियंका इस शो को जीत पाती है या नहीं। वैसे फिनाले में प्रियंका को टक्कर देने के लिए एमसी स्टैन और शिव सबसे आगे हैं। ऐसे में हर कोई यही जानना चाह रहा है कि आखिर सीजन 16 की ट्रॉफी किसके हाथ लगती है। वैसे आप किसे विनर के रूप में देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड 16 से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।